हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे जो आपका कल त्रैमासिक परीक्षा हिंदी का जो पेपर होने वाला है, वहाँ पे हम लोग 1000% रियल जो प्रश्न है आपका वो बताएंगे, ठीक है? इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा, ठीक है? सो आप लोग इसको पूरा का पूरा तैयार कर लीजिए, ठीक है? इसी में से पूरा आपको जो पेपर है उसमें से देखने को मिलेगा, ठीक है? जो सारे हमने क्वेश्चन दे रखे हैं, तो चलिए यहाँ पे जो आपका सेट है उसका देख लेते हैं, ठीक है? जिन जिलों में सेट ए आता है, और अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है? आपका जो पूरा का पूरा काफ़ी सारा जो है यहीं से आएगा, ठीक है? पूरा का पूरा आप मान के चलिए एकदम, ठीक है? तो चलिए यहाँ पे जो है त्रैमासिक परीक्षा आपकी जो होने वाली है 13 सितंबर को, उसके लिए हम लोग जो है प्रश्न देखने वाले हैं। सबसे पहला भक्ति काल का वर्गीकरण कीजिए। जो भक्ति काल है उसका वर्गीकरण करना है, जैसे सगुण भक्तिधारा, निर्गुण भक्तिधारा। दूसरा क्या है कि छायावादी कवि की दो विशेषताएं लिखना है तथा किन्हीं दो कवियों के नाम। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हम आपको सभी सब्जेक्ट के जो है 1001% जो मोस्ट क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में 100% आएंगे, ठीक है, उसका देंगे, ठीक है? तो आप लोग एक बार हमारे ऊपर विश्वास कीजिए, ठीक है? तो चलिए आपका जो है छायावाद की दो विशेषताएँ लिखना है और किन्हीं दो कवियों के नाम भी लिखना है। दूसरा क्या है कि रौद्र रस एवं वीर रस में दो अंतर लिखना है, जो रौद्र रस है वीर रस है इन दोनों में अंतर लिखना है, ये आपका जो है आने वाला है। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है, ये भी आपका जो है काफ़ी सारा जो है आने वाला है, ठीक है? सोटा छंद की परिभाषा लिखकर उदाहरण सहित लिखना है, जो सोटा छंद है उसकी परिभाषा उदाहरण भी लिखना है। तो जल्दी जल्दी आप लोग लिख लीजिए, इन्हें सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको आंसर चाहिए तो कमेंट में आंसर जरूर लिखना, ठीक है? हम लोग इसका आंसर भी प्रोवाइड करवा देंगे आपको, क्योंकि जो सारे प्रश्न हैं यही आपके जो पेपर है उसमें आने वाले हैं, ठीक है? आप पेपर दे के आइएगा और फिर मिलाइएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। स्थायी भाव संचारी भाव में दो अंतर लिखिए। अस्थायी भाव संचारी भाव में दो अंतर लिखना आपको। पानी की बुआई किसे कहते हैं और आपके मतानुसार यह कितना सच है? जो पानी का बुआई है वो किसे कहते हैं और आपके मतानुसार कितना सच है? भक्ति ने अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? ठीक है, ये सारे के सारे जो आपको प्रश्न है वो कल की परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। बाजार जाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी जो है आपका काफ़ी सारा जो प्रश्न है वो आपके पेपर में देखेंगे आप लोग कल। अब पानी दे गुड़धानी जैसे जो लेखक है धर्मवीर भारती, उनका क्या तात्पर्य है तो आपको बताना है। हम आपको आंसर भी देंगे, अब बस आपको कमेंट में क्या करना है, आंसर लिख देना है, आंसर हम देंगे, ठीक है? प्रश्न आप लोग अभी लिख लो, क्योंकि प्रश्न जो है आपके पेपर में ये 1000% जो है आने वाला है। अब किन्हीं दो कहानीकारों के नाम एवं उनकी जो है एक एक कहानी सहित लिखना है, जो कहानीकार है उनकी कहानियों के नाम लिखना है, कहानीकारों की रचना भी लिखना है। अब दो एकांकीकारों के नाम एवं उनकी एक एक रचना लिखना है, जो एकांकीकार है उनका नाम और रचना सहित लिखना है। अगला देखते हैं, ये जो मुहावरा है उसको भी लिखना है कि निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में भी प्रयोग करना है, जैसे कलाई खोलना, गले का हार होना, तो ये दोनों जो है मुहावरे भी आपके पेपर में देखने को मिलेगा आपको। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करना है, जो आपका निम्नलिखित वाक्य है कि वह दुकानदार के पास जाओ, इनको शुद्ध करना है, वह आँख से काना है, ठीक है? तो इसे जो आपको सही करना है। उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं, जो उल्टा पिरामिड शैली है वो हम किसे कहते हैं ये आपको बताना है। जनसंचार के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, ठीक है? ये सारे के सारे जो आपको प्रश्न है पेपर है वो आपको कल देखने को मिलेगा, तो आप लोग अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ठीक है? वीडियो को बिना स्किप किए पूरा का पूरा आप लोग कापी पेन में भी लिखते चलिए। यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन अथवा आलोक धनवा, एक आप लोग कुंवर नारायण भी कर लेंगे, ठीक है? कुंवर नारायण तीन में से एक जो है आपका आना ही आना है, ठीक है? दो तो आना ही आना है, हरिवंश राय बच्चन, कुंवर नारायण। बारवा क्या है कि धर्मवीर भारती अथवा महादेवी वर्मा का जो साहित्यिक परिचय है दो रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान सहित देना है। अगला क्या है कि भाव पल्लवन लिखिए। भाव पल्लवन क्या है, साहित्य समाज का दर्पण है, पुस्तकें सच्ची मित्र होती, इन दो में से कोई एक करना है आपको। अब परीक्षा की तैयारी, जो आपका दो संवाद लिखना है कि दो मित्रों के बीच जो आपका परीक्षा की तैयारी लेकर उसको लेकर आप लोग क्या संवाद करेंगे, इसका भी आपको लिखना है। अब पंद्रहवा क्या है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर रूपरेखा बनाकर 150 शब्दों में निबंध लिखना है कि राष्ट्र निर्माण में विद्यार्थियों का क्या योगदान है। दूसरा क्या है, मेरा प्रिय साहित्यकार, ठीक है? इनमें से चारों का चारों जो आपका काफ़ी सारा जो पेपर है उनमें उसमें देखने को मिलेगा आपको कल, ठीक है? तो आप लोग जो है पूरा का पूरा कर लीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ठीक है? क्योंकि जो पेपर है वो पूरा का पूरा यहीं से आएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि जो हमने अंग्रेजी का पेपर दिया था वो पूरा का पूरा यहीं से आया था। अविस्मरणीय यात्रा, जो अविस्मरणीय यात्रा है
असफलता का सोपन समय प्रबंधन, जो सफलता का सोपन समय प्रबंधन है वो भी, ठीक है। इनमें से जो काफ़ी सारे प्रश्न हैं वो आपको कल जो है देखने को मिलेगा पूरे के पूरे, ठीक है। तो आप जब पेपर के बाद आइएगा तो फिर मिला लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक लीजिए हिंद, वंदे मातरम।